होता है कि यहाँ टाडा विधानसभा में पिछली साल भी हमने बहुत काम किया था अपना दल को लेके, और क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद सारे कार्यकर्ता शिथिल हो गए थे, वर्किंग ढीली हो गई थी, तो दोबारा से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए सोहा टांडा में आगमन मेरा हुआ है। यहाँ सोहा टांडा के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने कारागार मंत्री जय कुमार जैकी जी की बहुत बड़ी जनसभा और 3 किलोमीटर तक रोड शो कराया था। गाड़ियों का काफिला चल रहा था बहुत लंबा। रामपुर जनपद के लोग और नेता हैरत में पड़ गए थे कि सोहा टांडा के अंदर इतनी भीड़ अपना दल की कहाँ से आ गई, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, टाइम बहुत करीब है, हमको यहाँ विधानसभा की सीट मांगनी है। मोहम्मद वकील एडवोकेट साहब बहुत दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, इनकी टीम में जिला सचिव शैलेश वर्मा जी, नगर अध्यक्ष हाजी बाबू साहब, हाजी मारूफ साहब, अहमद नबी सैफी साहब, हमारे चमरौआ के विधानसभा अध्यक्ष महबूब अली पाशा जी, आईटी सेल के जिला अध्यक्ष अभिषेक पटेल, होवेश कुर्मी और भीम आर्मी छोड़ के आज कई युवा शामिल हुए हैं। सारे लोगों की यहाँ बैठक ली है, विधानसभा की मासिक बैठक थी, कार्यकर्ताओं को पार्टी का मिशन बताया है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसी दल की सरकार बनेगी, अपना दल के बिना सरकार नहीं बनेगी। हमें बिलासपुर, सोहा टांडा और मिलक सुरक्षित 3 सीटों पर हमारा निशाना है, हमारा टारगेट 3 सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं, और हमें आशा है, उम्मीद है कि 2 सीटें हमें चुनाव लड़ने को मिलेंगी। जिस पार्टी से भी हमारा गठबंधन रहेगा, भाजपा से।